एक सेकंड में क्या हो सकता है? हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आपको जानकर शायद झटका लगेगा कि सिर्फ एक सेकंड में आपका पासवर्ड भी क्रैक हो सकता है। जी हाँ, पासवर्ड क्रैक होने के लिए सिर्फ एक सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे चाहिए। दरअसल पिछले दिनों सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी नोटपास ने सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 200 कॉमन पासवर्ड की एक लिस्ट जारी की। लिस्ट में तकरीबन 50 भारतीय नाम शामिल है जो पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्वीटी, आदित्य और प्रवीण तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। और जैसा हमने कहा कि साइबर अपराधियों को सिर्फ एक सेकंड लगेगा स्वीटी नाम के पासवर्ड को क्रैक करने में, अधिकतम 3 घंटे में ये कॉमन नाम वाले किसी भी पासवर्ड को हैकर्स या साइबर अपराधी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। खबर चौंकाने से ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि साइबर सुरक्षा से लेकर मजबूत पासवर्ड रखने की बहुत बातें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन हकीकत हम सभी को पता है। आज भी 12345 लव यू शोना और पासवर्ड के लिए पासवर्ड साल दर साल लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। ऐसे में ज़रूरत है मजबूत पासवर्ड की। इसे कैसे बनाया जाए, इस बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें ढेर सारे मुश्किल पासवर्ड्स को याद रखना होता है। इसलिए हमने कुछ ऐप्स आपके लिए ऐसे तलाशे हैं जो दो काम करेंगे। पहला, एक मजबूत पासवर्ड बनाने में आपकी मदद करेंगे, और दूसरा, जिससे हम सभी को बेहद दिक्कत होती है, उनको याद रखने की टेंशन से छुटकारा दिलवा देंगे। पासवर्ड मजबूत बनाने का बुनियादी नियम आज भी वही सेम है। लंबा पासवर्ड बनाइए, नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन कीजिए, आपसे जुड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, यानी कि कुछ परिवार या बर्थ डेट आदि। डिक्शनरी से सीधे शब्द उठाकर पासवर्ड में मत डालिए, और अल्फा न्यूमेरिक जैसे @#, अपने पासवर्ड में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया के दौर में हम सभी के कई सारे अकाउंट्स होते हैं, तो मजबूत और लंबे पासवर्ड बनाना और फिर उनको याद रखना सरदर्द है। ऐसे में ये ऐप्स आपकी खासी मदद कर सकते हैं। बारी बारी से हम उन सभी ऐप्स के बारे में आपको बताएंगे। पहला ऐप, गूगल पासवर्ड मैनेजर। आमतौर पर पासवर्ड मैनेजर के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन गूगल ऐसा कुछ नहीं मांगता। मुफ्त सेवा है, वो भी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए। यूज करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेटिंग ऐप खोलिए, फिर सर्च बार में ऑटोफिल टाइप कीजिए, उसके बाद ऑटोफिल सर्विस में सेटिंग पर जाकर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑटोफिल विद गूगल को इनेबल कर दीजिए। ऐसा करते ही गूगल पासवर्ड मैनेजर चालू हो जाएगा। अब कोई सा भी ऐप या वेबसाइट ओपन कीजिए, यूजर नेम या ईमेल डालने के बाद पासवर्ड वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर आपको चाबी वाला आइकन दिखाई देगा, नीचे सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मैनेज पासवर्ड के ऑप्शन दिख जाएंगे। यदि आप पहली बार ऐप पर लॉगिन कर रहे होंगे तो सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद का बनाया पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अब साइन इन करते ही पासवर्ड को सेव करने का एक पॉपअप आएगा, ओके करते ही गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव हो जाएगा। अगली बार आप जब भी ऐप या वेबसाइट ओपन करेंगे तो पासवर्ड वाले सेक्शन में चाबी पर टैप करते ही अपने आप पासवर्ड फिल हो जाएगा। गूगल पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने के दो फायदे हैं, बता देते हैं। यदि आप पहली बार ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक मजबूत पासवर्ड का सुझाव देता है और उसको याद भी रखता है। दूसरा, यदि पासवर्ड आपने खुद बनाया था तो वो सच में कितना मजबूत है उसकी जानकारी भी आपको दे देता है। अपने पासवर्ड की मजबूती देखने के लिए गूगल पासवर्ड मैनेजर में जाइए। यहाँ पर आपको सेव किए सभी यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई दे जाएंगे। अब गूगल के हिसाब से जो भी पासवर्ड कमजोर, रीयूज्ड और आसानी से क्रैक होने वाले होंगे वो अलग से दिखाई देंगे। संबंधित ऐप को ओपन किए बिना आप यहीं से अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल मेकर्स भी अपने फोन में ऐसी सर्विस मुहैया कराते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना आपके विवेक पर निर्भर करेगा। एक बात का ध्यान रखिए कि पासवर्ड मैनेजर में आपके सभी यूजर नेम और पासवर्ड सेव होंगे, तो इसका इस्तेमाल ऐसे किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर पर मत कीजिए जिसका एक्सेस आपके अलावा किसी और के पास हो। अब एक और ऐप की बात करते हैं, नोटपास। साइबर सिक्योरिटी की बात करने पर इनका नाम दिख जाएगा, ऐसे में इनका ऐप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पर चलने वाला पासवर्ड मैनेजर है। पासवर्ड से जुड़े सभी काम, जैसे कि ऑटोफिल हो या सेफ्टी के साथ पासवर्ड शेयर करना, इस ऐप से होता है। आपका डेटा लीक हुआ है तो ये ऐप उसको भी चेक करेगा। बायोमेट्रिक और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के फीचर भी इस ऐप में आपको मिल जाएंगे। अब आता है ज़ोहो वोल्ट। उम्मीद है ये नाम आपने सुन रखा होगा। ज़ोहो का पासवर्ड मैनेजर ऐप भी बहुत से फीचर्स के साथ आता है। बेसिक फीचर के साथ आप इस ऐप को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव नहीं है तो इनएक्टिविटी टाइमर और एक सीजन के लिए भी टाइमर इसमें लगाया जा सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म और बायोमेट्रिक लॉगिन तो आपको मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं आई क्लाउड की चेन की।
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल पासवर्ड मैनेजर है, तो एप्पल यूजर्स के लिए क्या है? आई क्लाउड कीचेन। एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपने नाम या प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कीजिए, फिर आई क्लाउड पर टैप कीजिए, तीसरे ऑप्शन कीचेन को ऑन कीजिए। ऑन होने के बाद सेटिंग्स स्क्रीन पर आपको पासवर्ड टैप दिखने लगेंगी। ड्रॉपबॉक्स जैसे ऐप भी पासवर्ड मैनेजर सर्विस मुहैया कराते हैं, साथ में पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत सारे भरोसे वाले ऐप मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इन सभी के सारे फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए आपको पेड वर्जन इनका लेना पड़ेगा। ऐसे में एक आम यूजर के लिए गूगल पासवर्ड मैनेजर और आई क्लाउड की चेन ही काफ़ी है। हालांकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। साउथ की फंडू फिल्मों का रिकमेंडेशन चाहिए जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।